नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। ओम गण गणपतये नमः। ओम जय हो गणेश जी। जितना जानता हूं उतना ही लिखा हूं, बाकी का आप संभाल लीजिएगा। भाई आपके पास पर्ची है ना? मुझे पता है गणेश जी ने भेजा है आपको, मुझे भी एक पर्ची दे दीजिए ना। भैया एक बार दिखा दो, भैया भैया जल्दी दिखा दो भैया, टाइम हो रहा है भैया, प्लीज भैया प्लीज। क्या हुआ इतनी जल्दी हो गया? जिंदा रहा तो फिर से एग्जाम दे दूंगा, मर गया तो। स्टॉप राइटिंग, हैंड ओवर योर आंसर शीट्स। बेटा तुम अभी एग्जाम दे रहे थे ना, कहाँ जाना है? पेट्रोल खत्म हो गया लगता है, आ जाओ मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ। क्यों बेटा एग्जाम तो ठीक गया ना? क्या हुआ ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम मुझे? बहुत देर इंतजार करना पड़ा। अरे बाप रे। चलिए 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 चलिए, वहाँ की सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं, लेकिन एंगेजमेंट रिंग तो हमारे पास है। अरे जी क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? ड्राइवर कार रोको, आओ सब आ जाओ, संभल कर चढ़ो। हाँ आ जाओ बेटा, मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है, इसे तू पकड़ ले। बूढ़ी हो गई है ना, ज्यादा वजन नहीं उठाया जाता इससे, पकड़े रहो बेटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या भाई, एग्जाम हॉल से मैरिज हॉल तक आपको गाड़ी में बिठा कर लाया गया। अभी आप यंग हो, आपका एंगेजमेंट हो रहा है, जरा देखो तो सही। दूल्हे वालों की तरफ से मेरे माँ बाप आपको यहाँ दूल्हा बनाकर लेकर आए। पर मेरा एंगेजमेंट क्यों? आप फिर से गैरेज में चले जाए, इसलिए आपकी मैरिज सेट की है। ए, बर्थडे में जैसे केक काटते हैं ना, वैसे हाँ? ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं, हाँ? खत्म कर दूंगा। किसको? हाँ? मुझे सर। रात को मुझे सपना आया, भाई की धूमधाम से शादी हाँ? हुई, उनके बच्चे हो गए, हाँ? कह रहे थे सुबह तक इनकी शादी नहीं हुई तो मुझे मार देंगे। इसकी शादी तय हो गई? देवड़ों की और भिखारियों की जब शादी हो सकती है तो इस मुस्टंडे की शादी क्यों नहीं हो सकती भला? लड़की का बाप कौन है? सारे अरेंजमेंट बिल्कुल पुख्ता है ना? आप ऐसे ही गए तो आपको कोई दूल्हा नहीं समझेगा, शादी में काम करने वाला समझेगा। जल्दी से कपड़े बदलो और चलो। अब देखना यह है कि यह शादी कैसे होगी। थैंक्स सर जी, इसलिए क्योंकि शादी तो आप ही करवाने वाले हो। मैंने क्या कहा और ये क्या कह रहा है? टाइम हो रहा है, दामाद जी कहाँ है? वो रहे सर। हाय दामाद जी। सर तुम कौन? इस एरिया का CI हूँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब पर अपनी नजर रखो। मुझसे बचकर तो शेर के मुंह में जा रहा है, पता है वो कौन है? CBI चीफ, नाम है नागभूषण, कुछ भी अगर गड़बड़ किए तो बुलेट सीधे अंदर। वो फायर ब्रांड है तो मैं फायर इंजिन हूँ भाई। मिस्टर भाई राजू, दिस इज माई फैमिली। हमारे भाई सिर्फ भाई राजू ही नहीं है, भाई राजू BA, MA, MBA, MCOM, MCA, LLB, LIC। LIC? ये LIC क्यों है? क्या है ना कि LIC एजेंट का काम करते हुए इन्होंने सारी डिग्री की पढ़ाई कर ली। I see. हाँ भाई राजू। मेरी बेटी भाग्यलक्ष्मी, a girl with gun. भाग्या से. The only shooting. डैडी डैडी डैडी, ये मुझे बहुत पसंद आया, एक बार शूट करके देखो प्लीज डैडी। शादी के बाद शूट कर देना, आखिर जाएगा कहाँ? ये हमारा घर जमाई बनने वाला है। ऐसा लग रहा है मेरे कोट ले जाने से पहले ही ये तुझे बेडरूम में मार देगी। सी मिस्टर भाई राजू, तुम्हारी डिग्री देखकर लगता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं सिर्फ थर्ड डिग्री के बारे में जानता हूँ, इन सब डिग्रीज के बारे में नहीं। इन सब डिग्रीज पर मेरे भाई की अच्छी ग्रिप है, वो तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करने वाला है। ओके? वो कुछ भी पूछे आप टेंशन मत लेना। व्हाट? Who? Why? Yes? No? सिर्फ इतना बोल देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। Okay? टेंशन मत लो भाई। Ready?
फायर। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? व्हाट? यस, स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया। राइट है ना? वंडरफुल वंडरफुल नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इंटरनेट में फाई के आगे क्या रहता है? व्हाई? यस, राइट आंसर, हाई फाइव। ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बर्फ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? No. No. Snow. Right answer. Snow. Question जरा tough पूछिए ना please. Indian Congress की स्थापना किसने की? Whom? Oh. Indian Congress की स्थापना A.O. Hume. Correct है. Correct. Yes. Correct. Next question please. Dollar का symbol क्या है? S. S को दो बार सीधा काटिए तो बन जाता डॉलर, है ना? ये तो डॉलर को भी कट कर रहा है। मन में एक सवाल है, आपने सारी डिग्रीज तो हासिल कर ली, फिर ये MBBS क्यों छोड़ दी? भाई को ब्लड से डर लगता है ना? ये खूनी को ब्लड से डर लगता है? अब बस करो ना डैडी, इंटरव्यू खत्म हो गया ना, अब शूट कर लो डैडी। बेटी, दामाद जी तो पॉइंट ब्लैंक रेंज में ही है ना, आराम से शूट कर सकते हो। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। दामाद को ब्लैंक चेक देने वाला ससुर तो मैंने देखा है, पॉइंट ब्लैंक में शूट करने वाला ससुर मैं पहली बार देख रहा हूं। ये सब देखकर लगता है कि ये मैच फिक्सिंग है सर। मैरिज का मतलब ही मैच फिक्सिंग है। जनरल नॉलेज तो ओके है, दामाद जी नृत्य संगीत भी जानते हैं क्या? अबे ओए, नृत्य भी जानता हूँ, संगीत भी जानता हूँ, ये बीच में नृत्य संगीत कौन है बे? नया फिगर है क्या? ये डांस म्यूजिक है यार। अपन लड़के वाले हैं, अपन का डिमांड है, कोई अच्छा सा डांस स्टेप दिखाओ, समझे क्या? भाई पंच कैसा लगा? पंचर कर देने वाला लगा। लाइफ में इतने स्टेप्स करने के बाद स्टेज पर आया हूँ, यहाँ कौन सी मुश्किल है बताओ? कौन सी स्टेप देखना चाहोगे? वीणा वाला स्टेप दिखाओगे? बात करो, बड़ा पुराना स्टेप कर रहे हो भाई, अभी नया वाला दिखाएंगे। डांस बड़ा आसान होता है, तुम तो मैकेनिक हो ना, पंक्चर बनाते वक्त रिम निकाल कर बोल्ट निकालते हैं ना? पंक्चर बनाते वक्त हवा भरते हैं ना? हल्का हल्का पिछवाड़े को हिलाते रहो ऐसे, बस हो गया। सिर्फ वो लोग ही डांस कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते क्या? क्या है कि यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है ना, तो हम लोग दूसरे लोकेशन पे जाते हैं। अरे बेटा, दामाद जी कहाँ गायब हो गए? शस्त्र वो लोग भैया को मार रहे हैं। मौत के पास बैरागी, तुम्हारी जान है ना, यहाँ तुम्हारी जान जा रही है, जल्दी से आ जाओ वरना उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। धड़कनों के साथ यही सोचता रहा कि मैं तुझे कैसे मारूं। आज मिला है तू, सारे हिसाब चुकता करूंगा। तुझे मारने के लिए मुझे अपने दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ा। हेल्प के नाम पे हेल दिखाएगा तू? ये सब मैंने आपको खुश रखने के लिए किया है भाई। तू मरेगा तब मुझे खुशी मिलेगी।
ये मर चुका है, इसे भूल जा तू। ये क्या किया तूने? धोखा, हार्ट अटैक से भी डेंजर होता है। ये एरिया तुम्हारा नहीं, हमारा है। इसके रहते तुझे मारना मुश्किल था, इसलिए इसे तेरे ही हाथों मैंने आज मरवा दिया। अब तेरा काम हो चुका वैरागी, अब इस सिटी का मैं हूँ वैरागी, मैं हूँ वैरागी। भाई को मुझे मारने का अधिकार है, क्योंकि मेरी जान भाई ने ही बचाई है। भाई को मुझे मारने का पूरा राइट है। बार फिर आपने मेरी जान बचाई। नहीं नहीं प्लीज, इसे मेरी हेल्प मत समझो, तुम्हें अपना आदमी समझकर मैंने बचाया है। एक बार तुम्हें बचाकर मेरी जिंदगी प्लेटफॉर्म बन गई है, अब मेरा पीछा करना छोड़ दो प्लीज यार प्लीज। आपने एक बार फिर से मेरी जान बचा ली है भाई, तो आपकी जान बचाने के लिए मैं सोचिए क्या करूं। ओ, ओ, यार तू समझता क्यों नहीं? इस तरह क्या देख रहा है? तो इतने दिनों तक यही सोच रहा था ना कि ये मेरे साथ क्या करेगा, इसने तुम्हें पुलिस ऑफिसर बना दिया। कौए का और तुम्हारा कोई लिंक जरूर है। तेरी जिंदगी को प्लेटफॉर्म नहीं यूनिफॉर्म दिया इसने, और ये सब इसने मेरे साथ मिलकर किया है। मैं इसका चाचा हूं। एक दिन तू उस कपाली गुंडे से डर कर भागा था ना, वो टू के रन। पुलिस ग्राउंड में जो कुछ भी तूने किया वो सब फिजिकल टेस्ट था। तुम जो उस दिन मुझे मारने आए थे एग्जाम के हॉल में, वो तुम्हारा रिटन टेस्ट था। आज सिर्फ तुम्हारी एंगेजमेंट ही नहीं हुई, पुलिस इंटरव्यू भी हुआ। डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए सारे टेस्ट में तुम फिट हो। अभी तुम और मैं सेम डिपार्टमेंट में हैं। ये लो तुम्हारा ट्रेनिंग ऑर्डर। तुमने ये सब क्यों किया? उस भवानी को मारने आए थे तब आपने कौन सी ड्रेस पहनी थी, जरा याद करो ना भाई। उस ड्रेस में आप अच्छे लग रहे थे, मुझे लगा आप पुलिस वाले हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि पुलिस खुद आपको ढूंढ रही है। आपने मेरी मदद की ना भाई, इसलिए मैंने आपके साथ ये सब किया। आपको मैंने पुलिस वाला बना दिया और आपकी जिंदगी सुधर गई। असल में ये तेरे साथ क्या करना चाहता, तुझे कुछ पता भी है? पुलिस बनाना चाहता है तुझे? खत्म कर दे इसे, खत्म कर दे।
तुम लोग को देख के बहुत खुशी हो रही है। तुम लोगों के लिए चाय बनाऊं क्या? 1/5 स्ट्रॉन्ग या लाइट? जो कुछ भी है लाइट। शक्ति हर इंसान के पास एक समान होती है, पर उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है ये सोच पर निर्भर करता है।